हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जा रहे फट्टा पे। तो आज अपन अपने सेशन में जानने वाले हैं कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा कि चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने चैनल जा रहे फट्टा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लासेस, जो कि हमारी होती है ट्यूजडे एंड फ्राइडे को दिन में 3 बजे। बात हम करने वाले हैं कि सर किस सब्जेक्ट में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और हम लोग इफ वी आर प्लानिंग कि हमें यूजीसी नेट दिसंबर 2024 देना चाहिए तो सब्जेक्ट को हम लोग कैसे वाइजली चूज करें जिससे हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए। तो लेट्स बिगिन। 2-3 चीजें हैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि सर आपका जो मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा है, आपके मास्टर्स यानी कि आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपका जो सब्जेक्ट रहा है आप उसी में जो है अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे। ट्राई आपको यही करना है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन की अप्लाई करते हैं और एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद इंटरव्यू में अगर आप लोग बैठते हैं तो वहाँ पर आप सभी को एक डिफरेंट टाइप की जो क्लैरिटी होती है वो नहीं देनी होती है कि आपका पूरा सा फ्रॉम द बिगिनिंग जो है आप सभी का चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर करते हुए चलती हैं। आपने अपना 12th किया, आपने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी सब्जेक्ट में जो है आपने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे दिया, तो ये बिल्कुल मामला जो है पूरा सॉर्टेड रहता है, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सर मैंने आप सभी को बता ही दिया। सेकेंड चीज़ हमारा ये होता है कि सर आपको अपना देखना है इंटरेस्ट, कि आपका जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में है। बहुत सारे ऐसे हमारे लर्नर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिनका मास्टर्स डिफरेंट दो दो सब्जेक्ट्स में होता है। किसी ने अपना मास्टर्स हिस्ट्री में कर रखा है, ज्योग्राफी में भी कर रखा है, जैसे मैंने मेरा मास्टर्स है 2 सब्जेक्ट में कर रखा है, कॉमर्स में भी। सर अगर अपन बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट हमारे हो जाते हैं, एक तो ABST, EFM और BADM। तो मैंने मेरा मास्टर्स जो है ABST EFM में किया, देन आई डिड माई MBA ऑल्सो। अब मेरे पास सर 2 ऑप्शन हो जाते हैं मेरे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए, एक तो कॉमर्स सब्जेक्ट हो जाता है और एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो जाता है ना। तो आई प्रिफर द मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, सर उसमें भी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है सर, आपको वहाँ पर चूज़ करना है, आपको वहाँ पर चूज़ करना है कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट कौन सा है। क्योंकि जब तक देखो सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट से जब तक प्यार नहीं करोगे, सब्जेक्ट को यदि आप अपना नहीं समझोगे, नहीं समझ में आने वाला है। और इफ़ यू लाइक एज यू नो कि सर यूजीसी नेट का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा अथाह महासागर है जहाँ पे आपको डेफिनेटली एक डुबकी लगानी है, और डुबकी लगाने के बाद हो सकता है कि सर हम डूब भी जाएं, है ना, और आपको जो नैया है सर दूसरे पार आपको लेके जानी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि सर जो मेरा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है मैं वही जो सब्जेक्ट है चूज करूँ। तो सेकेंड हमारा हो जाता है सर जी इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव स्कोप। अब आपको ये चूज करना है कि सर जो सब्जेक्ट आपने एज ए इंटरेस्ट लिया है कि मेरा सब्जेक्ट इस मेरे इस सब्जेक्ट में जो है मेरा इंटरेस्ट है, क्या उस सब्जेक्ट में आगे जाके कोई स्कोप है, स्कोप भी है क्या, एक लिमिटेड स्कोप है या स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, तो वो भी जो है आप सभी को चेक करना है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप जो है अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो यू हैव टू चूज फर्स्ट ऑफ ऑल वाइजली कि सर कौन से सब्जेक्ट्स में जो है आपको अपना यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है। बात ऐसी है, थंबनेल पे मैंने लिखवा है कि किस सब्जेक्ट में जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन थोड़े कम एफर्ट्स में हम लोग अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहूंगा। अब मैंने एक पहले जर्नल बात करी, अब मैं थोड़ा स्पेसिफाई बात करना चाहूंगा कि इफ यू आर प्लानिंग कि हमें हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देना चाहिए, जैसा कि मैं आपको सभी को बताया कि आप सभी के लिए क्लासेस लेके आता हूँ मैनेजमेंट की पेपर 2 की, तो सर मैनेजमेंट से ही क्यों हमें देना है। सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि कॉमर्स और मैनेजमेंट में अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ऑल दो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं ये बात बोलूंगा कि ट्राई करो एक बार आप कॉमर्स से आपने दे दिया ठीक है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो नहीं होता है सिलेक्शन ठीक है, एक बार मैनेजमेंट से डेफिनेटली आप लोग देख के ट्राई करके देखो। क्योंकि देखो कॉमर्स में कहीं ना कहीं हमारे पास सर बहुत वाइडली, जैसे मैनेजमेंट में हमारे पास सर इनकम टैक्स नहीं होता है ना, हमारे पास बिजनेस लॉ नहीं होता है, जबकि कॉमर्स में ये दोनों यूनिट सर बहुत जो है भारी भरकम हमारे यहाँ पे पढ़ती हैं। तो अपन जो है ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स से अपना मास्टर्स किया है तो आप इजीली जो है अपना ये जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से अपना एग्जामिनेशन जो है दे सकते हैं यूजीसी नेट का। तो वो वाली बात हमारी हो जाती है कि सर कौन सा हमारा एग्जामिनेशन देना बेस्ट होगा। अब अगर मैं आप सभी से बात करूँ कि सर मैनेजमेंट के सिलेबस की
तो जैसे फर्स्ट मैंने मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो था, मैंने पूरा का पूरा आई डिकोडेड द सिलेबस कम्प्लीटली, पूरा बता दिया था मैंने। अब उसमें हमने एक खास बात देखी थी कि सर हमारी जो मैनेजमेंट का सिलेबस है, पूरी जो 10 यूनिट्स हैं, दे आर मर्ज्ड। अगर अपन बात करें कहीं ना कहीं सर 6 और 7 यूनिट हमारी मर्ज है। यूनिट 1 की मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं तो सर वहाँ पे हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और हमारे बिजनेस एथिक्स हो जाते हैं। 3 अलग अलग सब्जेक्ट जो है हमारे ब्रॉडली जो है हमें पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही यूनिट 6 और 7 की बात करूँ तो मार्केटिंग हमारा कहीं ना कहीं मिक्स होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं सर चीज़ें जो हैं हमारी ये हैं, एक डॉटेड हमारी चीज़ें हैं, है ना। तो हमें नहीं समझ में आता है सिलेबस। अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई सिलेबस देखेगा तो उसको सही में ये लगेगा कि भाई क्या ही आफत है ना। तो सर तैयारी यदि आप लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, इफ यू आर प्लानिंग कि आई वॉन्ट टू गिव यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर विद मी। मेरे साथ आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप लोग कर सकते हैं। ये जो सर ये जो डॉटेड लाइन है ना, डेफिनेटली एक गुड प्लानिंग के साथ, एक गुड स्ट्रैटेजी के साथ क्या होने वाला है, इस डॉटेड लाइन को कंप्लीट हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा वाइजली चूज करते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे पेट मेरा भी जो बैच है अभी 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम लोग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है सर, उसी चीज़ में जो है डेडिकेट होके पढ़ सकते हैं। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हर कोई चाबी है ना, हर किसी ताले को नहीं खोल सकती है। आपको अगर लगता है कि सर कोई सी भी चाबी जो है मैं किसी भी ताले में अगर लगा दूंगा और ताला मेरा टूट जाएगा, लॉक मेरा खुल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि सर उस ताले की जो चाबी है मेरे पास है, जो चीज़ें मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान जो है ध्यान में रखी है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो हम लोग बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। मैं आपको एक बार मैनेजमेंट का बता भी देता हूँ कि आपको एक बार लगे कि सर जैसे लास्ट ईयर का यानी कि दिसंबर 2023 का हमारा कट ऑफ है, यहाँ पे आप सभी देखेंगे सर मैनेजमेंट का हमारा जो इस बार की जो हमारी कट ऑफ गई थी वो 170 नंबर है सर। किसके लिए? हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ मार्क्स हमारा 170 था फॉर दी रिजर्व फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट यानी कि जर्नल कैटेगरी के लिए। और इसमें सर हमारे जो टोटल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं ना जर्नल कैटेगरी में, वो 668 यानी कि 668 जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। वेयर इज इफ आई टॉक अबाउट दी जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑफकोर्स कट ऑफ सर हमारा हाई था 194 यानी कि आपका सीधा सीधा अगर अपन बात करें 12 क्वेश्चंस का यानी कि 24 नंबर का हमारा डिफरेंस है ना। और यहाँ पे जो है टोटल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी में है मात्र 40 यानी कि ओनली 40 कैंडिडेट्स का जेआरएफ हुआ है आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी में। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ सर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। वहीं अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में देखेंगे ना तो सर कहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो टोटल सर वहीं कहीं ना कहीं मुझे कम मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप सभी का एक जो सब्जेक्ट है वो रेयर सब्जेक्ट हमारा हो जाता है। जबकि मैनेजमेंट सर अच्छा है, बिल्कुल अपन देख सकते हैं अगर अपन कॉमर्स से भी बिलोंग करते हैं। तो तैयारी को करके देखिए, मेरी जो क्लासेस हैं डेली 3 बजे जा रहे फट्टा पे हो ही रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू मे राइट डाउन द कॉमेंट्स हियर। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं जो भी दिक्कत परेशानी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो पेपर 2 प्लस पेपर 1 मैनेजमेंट का कोर्स जो है आप सभी ले सकते हैं आपके अपने चैनल से। जस्ट गो टू जारेफट्टा एप्लीकेशन, डाउनलोड दी एप्लीकेशन और यू कैन जस्ट गो टू जारेफट्टा वेबसाइट, वहां पे आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट का दिख जाएगा। पेपर 2 की तैयारी आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, जहाँ पे यूनिट वाइज वी आर जस्ट डिकोडिंग द सिलेबस और प्रिपरेशन को एक अनादर लेवल पे ले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मिल बांट के हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में। कुछ भी डाउट होता है कमेंट बिल्कुल करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी क्लास में 3 बजे वाली, जो कि हमारी ट्यूजडे को होने वाली है। एंड बाय बाय।